दोस्तों, एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है एक बिल्कुल नए सफ़र की, जो है दिल्ली से लेकर के कहाँ तक का, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल मैं हूँ दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस में। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें हैं, कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक का रूट है, कितने स्टॉप्स हैं, कितने स्टेशन हैं, क्या स्पीड है। तो चलिए जानते हैं। ट्रेन में सबसे अच्छी लगी वो ये है कि साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ भी डस्टबिन है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है फायर के लिए तो यहाँ उसको बुझाने की भी पूरा अरेंजमेंट और पूरी व्यवस्थाएँ हैं। पानी है, बढ़िया है, वॉशरूम वगैरह साफ है, और क्या चाहिए। शॉर्ट जर्नी है, हालांकि मेरी मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। सफ़र चाहे बेशक छोटा हो, लेकिन अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो ऑब्वियसली आप एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर के जाते हैं उस ट्रेन के बारे में। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है इस ट्रेन के अंदर। ये है दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस। आखिर ये कब शुरू हुई थी, कितने वक्त में कहाँ पहुँचाती है, तो चलते हैं एक बार अपनी सीट पे और करते हैं इस बारे में बात। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन शुरू होती है दुर्ग से और आती है हजरत निजामुद्दीन 14 स्टेशन से होते हुए लगभग 1280 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 21 घंटे और 20 मिनट के अंदर। स्टेशन की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं किस स्टेशन पे कितनी देर का स्टॉप है। और मुझे जाना है यहाँ से तीसरे स्टेशन पर। मैंने इसमें सफ़र शुरू किया है हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से और मुझे जाना है तीसरे स्टॉप यानी कि आगरा। बहुत छोटी सी जर्नी है, लगभग 2.5 घंटे की। आज मेरा इस ट्रेन में आने का जो मोटिव था वो ये था कि इस ट्रेन को चले हुए कल यानी कि 28 अप्रैल 2019 को पूरे 2 साल हो जाएंगे। आज 27 अप्रैल जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे देखना था कि 2 साल के अंदर इस ट्रेन में कितने सारे बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस हैं। सुविधाओं में कोई कटौती तो नहीं हुई है, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि शुरुआत जब इस ट्रेन की हुई थी तो मैं इसमें आया था, जैसा कि मैं वंदे भारत एक्सप्रेस में गया था शुरुआत में ही। तो इन सारे पॉइंट्स को आज मैं देखूँगा। छोटी सी जर्नी है, बहुत ज़्यादा नहीं, देखते देखते ही सारा का सारा समय बीत जाएगा। इस ट्रेन को इसलिए भी जाना जाता है कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक की दूरी को सबसे कम समय में तय करने वाली ये पहली ट्रेन थी। और जैसा कि आपको पता है मैं आगरा जा रहा हूँ और दिल्ली से आगरा तक का सफ़र 195 किलोमीटर का, जो ये ट्रेन लगभग 2 घंटे और 27 मिनट में तय कर लेती है। बहुत कम वक्त है, इसीलिए मैंने इस ट्रेन को चुना। एक चीज़ और इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और ख़ास बनाती है, वो ये कि ये पूरी ट्रेन 3 टायर स्लीपर क्लास है। पूरी ट्रेन, इसमें कोई और क्लास नहीं है, ना सेकंड एसी ना फर्स्ट एसी है, 3 टायर ही है और नॉन एसी का भी कोई कोच नहीं है। देखेंगे 2 साल के अंदर क्या बदलाव आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। ट्रेन अच्छी कंडीशन में है, साफ़ सुथरी है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सीसीटीवी कैमरा। तो पूरी ट्रेन सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है, चाहे वो कोच हो चाहे वो गेट हो, कौन आता है कौन जाता है किस गेट से, तो उसके लिए अलग अलग गेट पर कैमरा है। जैसे ये वाला कैमरा है उस गेट के लिए और ये वाला कैमरा है इस गेट के लिए। अगर हम सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो बढ़िया अरेंजमेंट्स है। बाकी यार, जो सबसे बुरी चीज़ अगर मुझे ट्रेन के अंदर लगती है तो वो है ये। क्यों लिखते हो यार, क्या क्या मिलता क्या है तुमको यार अपने नामों को यहाँ लिखने से, कौन जान रहा है तुम कौन हो यार, क्यों मतलब अपने
देश की चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। तो यार प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा करता दिखे ना, तो प्लीज़ आपको उसे रोकना है, उसको बताना है कि भाई क्यों आखिर बर्बादी करते हो। कोई पैसेंजर हमारी ट्रेन में ट्रेवल करता है, बहुत पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, और आपके ये लिखने से वो मैसेज जो है इतना बुरा जाता है। अगर कोई फॉरेनर हो, खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर कोई फॉरेनर हो तो वो सोचता है कि कितने जाहिल लोग हैं। ये बात हकीकत है, सुनने में बेशक कड़वी है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत बात है। तो प्लीज़ ये सब लिखना लिखाना बंद कर दो, सीटों को नोचना बंद कर दो। पेन अगर लेके आए हो ना, तो यार उसे अच्छे कामों में लगाओ, अच्छी चीज़ें लिखो। सिक्का लेके आए हो तो उसके सामान खरीदो या सेव करके रखो, उसको स्क्रैच करके पेंट मिटाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगी तो फिर गालियाँ मिलेंगी। जो लोग तुम्हारी हरकतों को देखते हैं, जो तुम्हारी दी हुई निशानियों को देखते हैं, वो गालियाँ देते हैं। तो भाई प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें और ना ही ऐसा करने दें। बेटा कहाँ जा रहे हो? कहाँ पर? अच्छा। बाबा के साथ जा रहे हो? बाबा हैं आपके? सीट नहीं मिली? और टीटी साहब आ गए तो? अगर आए थे तो टीटी साहब नहीं आए। चलो बढ़िया। क्या नाम है आपका? राज। चलो बढ़िया। ये एक कोच से दूसरे कोच में जाने का रास्ता था, और अभी मैं जाता हूँ अपनी सीट पे, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन जो है वो आने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एंड आगरा जाना ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अंदर बाहर बहुत ज़्यादा शोर था। एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, वो ये कि केबिन जो है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अच्छा है, आप आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो फैसिलिटीज़ इस ट्रेन में दी गई हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज़बरदस्त हैं, अच्छी हैं। 2 साल के बाद भी ट्रेन की कंडीशन बुरी नहीं है, अच्छी है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, लेकिन इतना ये स्टाफ का फॉल्ट नहीं है, उन लोगों का फॉल्ट है कि जो एज ए पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, बाकी सब तो अच्छा ही है।